हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो एक और नया वीडियो लेके आए हैं, और अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड पे लगा दिया है जो कि अभी अपलोड होने वाला है। आई थिंक मेरे को लग रहा है 9 बजे तक में आ जाएगा। और भाई कल जो मैं फुटबॉल खेला ना, मज़ा आ गया भाई एकदम। मतलब बहुत दिन बाद खेले, थोड़ा फुर्तीला लगने लग गया, तो नींद एकदम भाई एकदम गहरा नींद आ गया था। तो अभी मैं थोड़ा देर पहले उठ गया था और रात को ही मैंने वीडियो एडिट करके लगा दिया था अपलोड पे। अपलोड नहीं मतलब एडिट करके रेडी कर दिया था। तो अभी सुबह सुबह मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये 9 बजे तक में आ जाएगा। तो आज दिन का शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले आडे इन माय लाइफ, जो भी मेरा लाइफ में होता है वो सारी चीज़ आप लोग को आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और सबसे पहले तो अभी जाते हैं वापस से एक और रूम में, वहाँ जाएंगे और वहाँ मेरा जो भी ब्रश है वो सारी चीज़ वहाँ रखा हुआ है, तो उसे हम लेके आते हैं और फटाफट से ब्रश करते हैं। मेरा ना थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ चुका है जिसे देख रहे हो इधर, पूरा एकदम दाढ़ी बढ़ चुका है इधर। तो मैं सोच रहा हूँ इसको अभी ट्रिम करूँगा। सबसे पहले तो ट्रिम को चार्ज करेंगे, क्योंकि चार्ज होने में लगभग एक दो घंटा लग जाएगा। तो उसे सबसे पहले चार्ज करेंगे, उसके बाद हम उसे थोड़ा सा सेप इस पूरा एकदम हटा देंगे, मतलब चिकना नहीं मतलब थोड़ा बहुत रहेगा। तो ये रहा मेरा रूम नहीं, मैं किसी और के घर में रहता हूँ, तो बस रेंट पे रहते हैं। मैंने अपना घर अभी तक बनाया नहीं है, तो कुछ स्टेप से है यहाँ पे जगह, और नीचे साइड यहाँ से गली जाता है, यहाँ से गली है पीछे साइड को उधर जाता है, और उधर भी एक नया घर बन रहा है और दिखाएंगे आपको, और हम कोशिश करेंगे हम लोग का भी एक अपना घर हो। यस, तो वो देख रहे हो सामने, ये देख रहे हो ये सामने, ये एक नया घर बन रहा है भाई। हमारा भी लाइफ में कोई एक तो ऐसा घर होगा, बस मेहनत करते रहेंगे। अभी मैं ब्रश करने के लिए बाहर साइड को आया हूँ रूम से, और उसके अंदर को थंबनेल बनाना है जो कि मैंने बनाया नहीं अभी तक। थंबनेल बनाएंगे, और कल मैंने फुटबॉल खेला था भाई, एकदम मस्त मज़ा आ गया और गहरा नींद आया था, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं फुटबॉल खेल रहा था। और एक्चुअल में मेरे पास कोई जूता नहीं है, जो मैं नॉर्मल पहनता हूँ फॉर्मल जूता जो भी मतलब है कॉलेज के लिए, तो मैं उसी जो वो जो शूज़ है ना उसी से मैं खेल रहा था फुटबॉल। और शाम को आज भी खेलने जाएंगे, तो देखते हैं भाई क्या होता है। मज़ा ही आ गया था, लेकिन नींद तो बहुत बहुत ज़बरदस्त आ गया था। तो आज क्या क्या करेंगे पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो वीडियो में बने रहना अंत तक, करना लाइक। तो अभी हम लोग फटाफट से थोड़ा सा ये वाला हिस्सा ट्रिम कर लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे। सबसे पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा, ये कंप्लीट हो गया है। बस थोड़ा थोड़ा और कैंची से मारना होगा आराम से, ऐसे उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ये ना जब भी मैं दाढ़ी करता हूँ लगभग 2 सप्ताह के अंदर में पूरा का पूरा आ जाता है भाई वापस से, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। कभी भी ना बाल जल्दी नहीं बढ़ता जितना जल्दी दाढ़ी बढ़ता है। तो अभी मेरा ट्रिम वाला काम है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। अभी एकदम पतला पतला छोटा छोटा है, तो हम सबसे पहले चेहरा धो लेते हैं ताकि ये और जितना भी बाल है छोटा छोटा जो यहाँ पर आ गया वो हट जाए और चिकना लगे चिकना। तो गाइस अभी मैं पोस्टर बना रहा था, पोस्टर तो मैं दिखाने वाला हूँ आप सबको कैसा रहेगा, और कमेंट करके बताइएगा वो पोस्टर कैसे है। गाइस फाइनली हमारा पोस्टर रेडी हो चुका है, तो पीछे है वो पोस्टर, मैं दिखाने वाला हूँ आप सबको। अगर पसंद आए तो एकदम लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। तो मैं सुबह से ये बना रहा था, सुबह का लगभग 10 बजे आसपास से, अभी 3 बजे मैंने कंप्लीट करा, तो 3 बजे शाम का 3 बजे मैंने कंप्लीट करा। तो मैं दिखाने वाला हूँ आप सबको पोस्टर जो मैं न्यू बिजनेस ऑन कर रहा हूँ, न्यू बिजनेस मेरे भाई लोग के साथ हम लोग चलाने वाले हैं। तो ये बिजनेस आप दिखाने वाले हैं कि पोस्टर के थ्रू आप लोग को समझ जाएगा कि पोस्टर कैसा है और कौन सा बिजनेस है। ये रहा वो चीज़, रुको रुको, अरे भाई क्या हो गया, रुक जाओ मैं दिखाने वाला हूँ वापस से। कैटरिंग ये रहा। तो गाइस ये है पोस्टर, और पोस्टर कैसे लग रहा है कमेंट करके बताओ। आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एकदम से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं इसे 10 बजे से बना रहा था, 3 बजे तक तब जाके मैं कंप्लीट करा इसे, क्योंकि सोचने में ज़्यादा टाइम लगा रहा था। तो अभी शाम का 4:30 हो रहा है, तो जाएंगे मैदान आज भी फुटबॉल खेलने, और मज़ा आता है भाई एकदम चिल अलग दोस्तों के साथ मज़ा ही आ जाता है। तो
जाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी मैं मैदान आ चुका हूँ और ये हम लोग का कॉलेज के सामने ही है और कॉलेज के पीछे ये जो रास्ता जाता है ये टाटा कॉलेज का एरिया ही है और उसी के जस्ट कॉलेज के पीछे ये मैदान, ये हम लोग का साइंस ब्लॉक है और इधर आर्ट्स ब्लॉक है और ये नया वाला बाउंड्री बन रहा है। अभी बाकी कॉलेज में जैसे बाउंड्री बना हुआ है और आईडी कार्ड मांगा जाता है कि यही कॉलेज में पढ़ते हैं क्या इस टाइप से कुछ, तो पूरा ये बाउंड्री आपको दिख रहा होगा इधर का, इधर ये वाला बाउंड्री ये नया बन रहा है। उससे पहले वहाँ पे कांटीला तार वाला से बाउंड्री हुआ था, उससे उसमें सब कुछ पार हो जाता था और चारों तरफ से बाउंड्री बनाएगा यहाँ पर और चारों तरफ इधर ऊपर साइड है यहाँ पर टाटा कॉलेज का डायग्राम बना हुआ है और वहाँ पे है उसके बाउंड्री बनने का पूरा खुदाई हुआ है, वहाँ ईटा जुड़े हो रहा है। तो गाइस ये देख लो यहाँ पे ग्राउंड आपको दिख रहा होगा प्ले ग्राउंड, ये नीचे दिख रहा है नीचे वाला हिस्सा ये वाला, और बाकी एरिया में पूरा कॉलेज का कंपाउंड एरिया है और ये वाला हिस्सा अभी बाउंड्री बन रहा है नया वाला। उससे पहले वो जो पीछे साइड में आपको दिख रहा होगा पीला टाइप से छोटा वाला ये वाला, तो ये वाला कांटीला तार से बना हुआ था उस वक्त। तो अभी हम सबसे पहले मैदान निकलते हैं और हम इसमें है पानी का बोतल और चार को केला 20 रुपये का, तो सबसे पहले निकला जाए, बहुत ज़्यादा शाम हो जा रहा है, 5 बज रहा है। तो गाइस आपको ये जो दिख रहा है बिल्डिंग ये वाला BCA वाला है, BCA क्लासरूम है डिपार्टमेंट है और ये है मल्टीपर्पज़ हॉल जहाँ पे एग्ज़ाम भी होगा, प्रोग्राम भी कुछ भी होता है, मतलब कुछ भी मतलब जो भी प्रोग्राम अटेंड होता है, कुछ भी मीटिंग वगैरह बड़ा बड़ा तो यहीं पर होता है। उन लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ ये वीडियो और जो लोग बाहर स्टेट से देखते हैं उन लोगों के लिए ये आदिवासी हॉस्टल जो भी मैं पीछे दिखाया था वो कॉलेज कंपाउंड है। आज बहुत ज़्यादा मेरे को थकावट लग रहा है और आज तो भाई फुटबॉल खेल के ना एकदम पैर से दर्द कर रहा, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और मैं लेकर आया हूँ ये इंक, ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में और ऊपर से पैर दर्द करता है, ये दर्द कर रहा है वो दर्द कर रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा बहा है। उसके बाद अभी हम सबसे पहले तो नहाने जाएंगे और नहाने के बाद एडिटिंग करेंगे। तो गाइस हमारा ब्रेड आ चुका है, ब्रेड में क्या क्या मिला हुआ है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एड शुगर फैट और ये रहा दूध, दूध और किशमिश इसमें और ये ब्रेड। फटाफट से अभी खाने वाले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है, क्योंकि फटाफट से इसको खाएंगे उसके बाद थोड़ा देर पढ़ेंगे उसके बाद एडिट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जा रहा है। दूध पियो और शक्ति बढ़ाओ, यस लगातार एक महीना पी जाए तो एकदम डोले सोले बन जाएगा, देख रहे हो डोले सोले। और एग्ज़ाम तो भाई नज़दीक आ रहा है, हम पढ़ नहीं रहे हैं, मेरे पास 10-15 दिन हो रहे हैं। ओहो लंच चला गया, अरे बाबा लंच चला गया, अंधेरा हो गया।